चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षित चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जिन स्टूडेंट को आईसीआर का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और आईसीआर का एग्जाम देना है, तो वो स्टूडेंट 30 मार्च 23 तक cuet.samarth.ac.in पर आईसीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बार आईसीआर का अलग से एनटीए द्वारा एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, ये सीयूईटी में मर्ज हो चुका है, यानी कि सीयूईटी में इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा और सीयूईटी की एग्जाम के साथ ही आईसीआर का एग्जाम लगेगा। तो इसमें इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, वो 30 मार्च 23 तक हो गई है। तो जो स्टूडेंट इस आईसीआर एनटीए की वेबसाइट पर पहले वेट कर रहे थे कि यहाँ फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अभी निकले नहीं है, तो वो स्टूडेंट के लिए स्पेशली वीडियो है कि आईसीआर का फॉर्म 30 मार्च 23 से पहले पहले सीयूईटी की वेबसाइट पर अप्लाई कर दें, क्योंकि इस बार आईसीआर का अलग से एग्जाम नहीं होगा, ये सीयूईटी की एग्जाम में मर्ज हो चुका है। अगर आप इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखना चाहते हैं तो icr.org.in की वेबसाइट पर इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल है 23 के लिए। उसमें भी ये सब कुछ लिखा हुआ है, कंडीशनें सारी दी गई है, तो आप वहां इंफॉर्मेशन बुलेटिन चेक कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई के लिए पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करने के बाद में अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक बार कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद साइन इन करके बचा हुआ फॉर्म आपको फिल करना है। इसमें स्ट्रीम वगैरह है, कोर्स सिलेक्ट है, वो जैसे आप आईसीआर में किया करते थे वैसे ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में चेक करना है तो इसकी एलिजिबिलिटी आप यूनिवर्सिटी पर क्लिक करके फिर इसमें आईसीआर का अलग से टेप दे रखा है, उस आईसीआर के टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन से प्रोग्राम के लिए इसमें क्या एलिजिबिलिटी है। तो आप यहाँ पर आईसीआर का जो सेक्शन है, आईसीआर का जो टेप है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आईसीआर का टेप ओपन हो जाएगा सीयूईटी के अंदर, और जैसे ही आप इसमें सारे कोर्सेज देखेंगे यहाँ पर, इसके बाद में प्रोग्राम्स एलिजिबिलिटी क्या है वो सारा आप यहां चेक कर सकते हैं इस सीयूईटी की एग्जाम के अंदर, इस सीयूईटी की वेबसाइट के अंदर आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद में जो इसकी डेट एक्सटेंड हुई है वो डेट है इसकी, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो 30 मार्च 23 तक एक्सटेंड हो गई है, और इसमें करेक्शन आप 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक कर सकते हैं, और इसमें 30 अप्रैल 23 तक इसमें आपको एग्जाम सिटी का पता लग जाएगा कि कौन सी डेट को एग्जाम है इसमें। अगर हम इसमें डेट के बारे में देखें इसकी, यानी कि एग्जाम डेट कौन सी डेट को है, तो एग्जामिनेशन डेट 21 मई से लेकर 31 मई 23 तक है इसमें, क्योंकि ये सीबीटी एग्जाम है तो काफी पारियों में होगी ये एग्जाम, तो ये आपको कौन सी डेट को आपका एग्जाम है ये एडमिट कार्ड में शो होगा, और एडमिट कार्ड कब आएंगे इसका आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि सीयूईटी के एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जिन स्टूडेंट्स को आईसीआर का एग्जाम देना है वो अभी सीयूईटी का फॉर्म अप्लाई कर दे, जिसकी लास्ट डेट 30 मार्च 23 है, उसके बाद में आईसीआर का अलग से कोई एग्जाम एनटीए द्वारा कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। अगर आप सीयूईटी का और यूनिवर्सिटी में, जैसे सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस टेस्ट है वो एक साथ मर्ज कर दिए गए हैं, मैंने पहले भी कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के बताया था कि इस बार सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा और एनटीए द्वारा वो लिया जाएगा। तो 48 जितने भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनका सबका एक ही एंट्रेंस टेस्ट होगा, और उसमें आईसीआर को भी मर्ज कर दिया गया है। तो आप इस cuet.samarth.ac.in की वेबसाइट पर ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आईसीआर का एग्जाम दे सकते हैं। जो स्टूडेंट इस वेबसाइट के लिए वेट कर रहे थे कि यहाँ पर फॉर्म निकलेगा, वो अब यहाँ पर अलग से एग्जाम नहीं होगा, वो एग्जाम होगा सीयूईटी के साथ, और अभी आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये जानकारी थी आईसीआर के बारे में। आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।